वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और हमारे सेगमेंट फिट रहें स्मार्ट लगे में आज हमने इनवाइट किया है कपल फिटनेस ट्रेनर्स को. शॉक हुए थोड़े से एग्जैक्टली. मुझे भी जब मैंने सुना तो मुझे भी थोड़ी सी हैरत होती थी. मैंने कहा भाई अगर दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं फिटनेस ट्रेनर हैं तो सोचे इनकी फैमिली पे कितना प्रेशर होता होगा कि दोनों फिटनेस फ्रीक होंगे और फैमिली को कहते होंगे नहीं ऐसे करो ऐसे एक्सरसाइज करो. सुबह सुबह स्टार्ट हो जाते होंगे. आगे की बात हम करेंगे इन दोनों के साथ. तो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू द शो. मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी. मरियम रसूल है हमारे साथ जो कि फिटनेस ट्रेनर हैं एज आई सेड और उनके हस्बैंड है हमारे साथ शिराज अनवर जो आप भी फिटनेस ट्रेनर हैं. तो कैसा लगता है आप दोनों को यानी कि दोनों फिटनेस ट्रेनर हैं तो फैमिली बहुत सख्त नजर रखी जाती है कड़ी नजर कि सुबह उठना है वर्कआउट करना है जिम करना है ऐसा होता है. आप हैं ऐसे? मैं सुबह में उठता हूँ ये दोपहर में उठती है. रियली दैट्स नॉट ट्रू. तो फैमिलीज के तो आपको पता है कि हम पाकिस्तान में जब घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है फैमिलीज के ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं है बट एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बहुत अच्छा कंटिन्यू दोनों के ऊपर प्रेशर होता है. वो पूरा दिन क्लासेस होती हैं कभी मेरी कभी इसकी. सो पूरा दिन जो है ना वो बस एक्सरसाइज करते करते गुजर जाता है. पता ही नहीं चलता एक्सरसाइज करते करते खाना ही पक जाता है सब कुछ हो जाता है. वेरी गुड. यही ये आपसे सीखेंगे. अच्छा 42 डेज चैलेंज है आपका और ये बूट कैंप है आई गेस. ये क्या है? सो इट्स बेसिकली अ फैट लॉस प्रोग्राम. ये हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग प्रोग्राम है. सो ये एक टेक्निक है फॉर द और ये पूरी दुनिया में मानी जाती है कि फैट लॉस के लिए सबसे बेहतरीन टेक्निक है. इसमें जो है वो आपके हाई इंटेंसिटी इंटरवल्स होते हैं जैसे आप थोड़ी देर के लिए बहुत तेज़ एक्सरसाइज करें और फिर रुक जाएँ. सो रेस्ट भी इतना इम्पॉर्टेंट होता है जितना के वर्कआउट. सो इस तरह से हम प्रोग्राम मैनेज करते हैं. ये नुसरत एंड टॉर्सम जो है वो इसके पाइनियर्स हैं एंड वी आर जस्ट आई एम वन ऑफ द सीनियर ट्रेनर्स. पिछले 5 साल से मैं इसको रन कर रही हूँ उनके साथ. एंड या सो जो लोग आपको पता है हमारे पास ओबेसिटी जस्ट यू नो वर्ड नहीं आ रहा. तो वो आसान लफ्ज में कह सकते हैं मोटापा जो है हमारे यहाँ बहुत मुश्किल जो है ना वो लोग मोटे पतले हर वक्त होते रहते हैं. लेकिन इससे ज़्यादा हम अपने जो है वो माइंडसेट पे काम करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर कि मोटा पतला से भी ज़्यादा कोई चीज़ है कि फिट रहे. सो आप अपनी ज़िंदगी में इसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से वो हम ज़्यादा उसके ऊपर मेहनत करते हैं लोगों का माइंडसेट के ऊपर रादर देन कि वो बस इसी पे रहें कि हम पतले हो जाएं और हम मोटे हो जाएं और हम पतले हो जाएं. कुछ लोगों का मसला होता है मोटा होना कुछ लोगों का होता है पतला होना. शिराज आप मुझे बताइए कि मर्दों का वेट लॉस करना ज़्यादा मुश्किल होता है या खवातीन का? एज सच तो वेमेन का होता है मर्द बहुत आराम से कर लेते हैं लेकिन बात ये होती है कि वो मोटिवेटेड नहीं है. ज़्यादातर जिन लोगों को मैं ट्रेन कर रहा होता हूँ उन लोगों के बिल्कुल मोटिवेशन नहीं है. आएंगे दो थोड़े से आप मर्दों की बात कर रहे हैं? मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ अभी. आई ट्रेन बहुत मैं औरतों को भी ट्रेन करता हूँ मर्दों को भी करता हूँ. मर्दों में बहुत स्लो है. औरतें ज़्यादा वो होती हैं क्योंकि आप देखती हैं सोसाइटी में बोलते रहते हैं औरतें दे हैव टू लुक इस तरह से ऐसी दिखनी है औरतों तो वो एक माइंडसेट बना हुआ है हमारा कि अगर आप इतने स्लिम हैं तो वो ब्यूटी स्टैंडर्ड अचीव करने के लिए औरतें ज़्यादा जाती हैं.